देश कानून से चलेगा या आप लोगों की मर्जी से? क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इनका पति बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। जिस गुनाह के लिए आप उन्हें मुजरिम ठहरा रहे हैं वो उन्होंने किया ही नहीं है। तो काम की बात करते हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, आई एम श्योर आपको डोनेशंस की जरूरत पड़ेगी। नेम ए प्राइस, एक घंटे के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। पैसे रख लीजिए और हरी को जाने दीजिए। राजनीति के गंदे खेल से जितना दूर है उतना अच्छा है। मिस्टर रूपरेल, लेकिन हरी निर्दोष नहीं है, उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है। मिस्टर पाटिल, आप एक अच्छे और समझदार इंसान नजर आते हैं। इन नेताओं की कठपुतली बने बिना आप अपने डिपार्टमेंट में इज्जत से काम कर सकते हैं। सो प्लीज, इस औरत पर गोली चलाने के लिए इन्हें अपना कंधा मत दीजिए, क्योंकि ये सारा ड्रामा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बने रहने के लिए किया जा रहा है। जी ठीक कहते हैं आप। मैंने ही पाटिल से कहा कि इनके पति को अरेस्ट करे और खबर मीडिया में दे दे। क्या करें, इलेक्शन टाइम है, सुर्खियों में बने रहना है भाई। और एक सच ये भी है, इनका पति आज सुबह खुद क्राइम ब्रांच आया है और उसने खुद अपने गुनाहों को कबूल किया। एंड मैटर ऑफ फैक्ट, वी हैव ए रिटन स्टेटमेंट ऑल्सो जिसपे कि उसका साइन है। आप चाहें तो मिस्टर पाटिल से पूछ लीजिए। भाई पाटिल साहब, या ही इज राइट, मैंने आपके पति से भी बात करने की कोशिश की और इसे इकरारनामे का अंजाम भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये सब आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं ताकि वो आपसे दूर रह सकें और आप मिस्टर रूपरेल के साथ खुश रह सकें। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा कि मैं बड़ा गिरा हुआ इंसान हूं भाई, खुद के फायदे के लिए इनके पति का इस्तेमाल कर रहा हूं। पर ये तो कमाल ही हो गया, हम सब तो एक जैसे ही निकले। क्यों मिस्टर रुपरेल, गरीब की बीवी सबकी जोरू। सुन, एक सलाह मान मेरी, ये जो इश्क का जुनून है ना तेरी आंखों में, इसने बड़े बड़े राजाओं को उजाड़ दिया। इसलिए इन फिजूल जज्बातों से खुद को बर्बाद मत कर। चल ठीक है, मैं भी तेरी सारी बातें भूल जाऊंगा। क्या कहते हैं, बच्चे की जिद समझ के माफ कर दूंगा। समझ गया ना तू? तू ठीक है, बहुत हो गया कहना सुनना, अब लड़ते हैं। आरव, अब तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जा देशमुख, क्योंकि ये मेरा तुझसे वादा है कि इस इकरारनामे के होते हुए भी मैं हरी को सही सलामत बाहर निकाल के ले जाऊंगा। रास्ता कैसा भी हो, सही गलत, वो बाहर आएगा और तू देखता रह जाएगा। आरव लेट्स गो, आरव कम। अपन को बिग शॉट बनने का चमन सोच। लाजो के ब्याह में भले ही कर्जा लेने की नौबत आ जावे, पर